हम सभी की लाइफ में दो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, एक डेट ऑफ बर्थ जब हमारा जन्म होता है और दूसरी डेट ऑफ डेथ जब हमारी मृत्यु होती है। और इन दोनों डेट के बीच में जो चीज़ आती है उसको हम बोलते हैं लाइफ, जिंदगी। और इस जिंदगी के अंदर हम सभी के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम एक ऐसी लाइफ जिए जो कि हम जी रहे हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, सो जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, या फिर एक ऐसी लाइफ जियो जिसमें कि यार सालों साल तक लोग आपका नाम याद रखें और बोलें कि यार अगर कुछ करना है तो ऐसा करो। डिपेंड आप पे करता है आपको किस पास की तरफ बात। मेहनत इतनी खामोशी से करो। What does success look like? तुमने एक बार इसको जिंदा कर लिया ना? Or is the thing that's stopping you? You. आम आदमी आम क्यों रह जाता है? वो लड़ना छोड़ देता है। I feel I still have room to improve. Secrets don't exist. Secrets. The secret is dedication and hard work. Hi everyone, मेरा नाम है प्रशांत, mentor of thousands of students preparing for India's toughest exam like IIT JEE, NEET, 10th class board, 12th class board. उन सभी students को मैं free में guide और mentor करता हूँ। चलो intro का भी और video में देख लेना। आज हमारा है part 3 of कड़वा सच। कड़वा सच एक वो series है जो कि youth को motivate करने के लिए बनाई गई है मेरी और मेरी पूरी team के द्वारा। थोड़ा नजदीक आ जाओ, 1-to-1 talk कर लेते हैं आप सभी। कैसी चल रही है जिंदगी यार? बहुत दिक्कतें आ रही हैं? सपना देखा था, एक ड्रीम देखा था, आईआईटी क्रैक करने का, एम्स क्रैक करने का, यूपीएससी क्रैक करने का, या फिर जो भी आपका ड्रीम है 95 प्लस लाने का 10th या 12th। सपना देखा है ना, ड्रीम है ना, तो क्या हुआ उस ड्रीम को? क्यों नहीं पा पा रहे? क्यों अचीव नहीं कर पा रहे? क्या लगता है? अरे भैया आपको नहीं पता, जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत समस्याएं हैं, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि हम तो क्या ही बताएं, और भैया बहुत कुछ चल रहा होता है, आपको हम नहीं समझा पाते। अरे मैं समझता, मैं तुम्हारी बात, बट अगर मैं तुमसे ये कहूं जिस चीज को तुम अपनी प्रॉब्लम मानते हो वो रियलिटी में तुम्हारी प्रॉब्लम ही नहीं है, तो भैया ये क्या बात कर रहे हो? कुछ अजीब सा ही कह दिया आपने तो। चलो एग्जाम्पल, क्या प्रॉब्लम आती है तुम्हें? भैया वो बहुत लेट रिप्लाई करते हैं, भैया वो रिप्लाई नहीं करते, ऐसा लगता है किसी और से बात कर रहे हैं, भैया इमोशनली मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ, भैया या फिर ना मेरे घर पे बहुत गरीबी है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, भैया मेरे पास तो पढ़ने के लिए लैपटॉप नहीं है, बिना लैपटॉप के कैसे पढ़ूँ, भैया मेरे पास तो स्टडी टेबल नहीं है, बिना स्टडी टेबल के कैसे पढ़ूँ, भैया मेरे पास तो एक ही बेड है, एक ही रूम है, उस रूम में मैं ढंग से पढ़ नहीं पाता, भैया मेरे दोस्त सारे ऐसे हैं, उन दोस्त की वजह से मैं पढ़ नहीं पाता, भैया इंस्टा रील, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से मैं पढ़ नहीं पाता, या फिर भैया मेरा खेलने में बहुत इंटरेस्ट है तो मैं खेलता रहता हूँ पूरे दिन भर, ये सब चीज़ें, या फिर भैया मेरे दोस्त तो दिन भर पार्टी करते रहते हैं तो मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि मुझे भी पार्टी करनी चाहिए, पढ़ने में मन नहीं लगता। ये सब प्रॉब्लम्स है तुम्हारी लाइफ में? इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे बड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मे बी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो करके ये हो सकता है, बट इससे बड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये जेन्युइनली प्रॉब्लम है? क्या ये रियली में प्रॉब्लम है? अब सुनो मेरी बात, खुद से झूठ बोलना बंद करो, क्योंकि तुम्हें भी अंदर से पता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये वो प्रॉब्लम है जो तुमने खुद को दी है कि यार ये मेरी प्रॉब्लम, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, और खुद को देना बंद करो। और ये प्रॉब्लम अगर तुमने खुद को देते रहा तो ऐसे तुम्हारा 1-2 साल बीतता जाएगा और एग्जाम को 1-2 दिन रह जाएंगे, और उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम बहुत मोटिवेटेड हो गए और तुम सर्च करोगे यूट्यूब पे जाकर हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम इन 2 डेज, और यूट्यूब पे भारी भारी वीडियोस आ जाएंगी 20-20 घंटे का टाइम टेबल वाली, और तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो 2 दिन के अंदर एग्जाम क्रैक कर लूंगा, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी क्योंकि तुम मूर्ख हो। भैया बातें बहुत चुभ रही हैं हमको, भैया इतना कड़वा मत बोलो। अरे भाई बातें चुभनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें आज रियलिटी नहीं दिखाई तो जब जिंदगी रियलिटी दिखाएगी तो बहुत बेकार लगेगा। अब बात मेरी सुनो, और लास्ट के 2 डेज में जब तुम 20 घंटे का टाइम टेबल फॉलो करोगे और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम 20 घंटे पढ़ के IIT नीट 10th क्लास 12th क्लास का बोर्ड निकाल लोगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जब तुमने पूरा साल नहीं पढ़ा तो तुम्हें लगता है कि आखिरी के 2 दिन में बैठकर तुम पढ़ लोगे? तुम्हें लगता है नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। हजारों बच्चों को गाइड और मेंटोर करता हूं, मुझे पता है दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यार खुद को क्यों प्रॉब्लम्स देते? तुम्हें पता है यार ये जो चीज़ आप कर रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, इंस्टा रील खोल रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स खोल रहे हो, ये तुम्हें एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तुम्हें पता है, बट तुम्हारा दिमाग तुम पे हावी है। मैं आज ये जिंदगी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है ना कि ये हो गया, वो हो गया, भैया दोस्तों से दोस्ती टूट गई, ये बहुत बड़ा इशू है, ये इशू नहीं है। एक्चुअल लाइफ की प्रॉब्लम पता है कब आएगी? आज से 5-10 साल बाद, जब तुम्हारा वही मित्र कुछ बड़ी कंपनी में काम कर रहा होगा, या फिर एक बड़ी कंपनी बना रहा होगा, और वहां पर तुम एक छोटी नौकरी,
कोई नौकरी छोटी नहीं होती, बट एक कम सैलरी वाली नौकरी कर रहे हो, एक कम सैलरी वाली नौकरी कर रहे हो, दर्द उस दिन होगा। तो जो तुम्हें लगता है ना कि आज ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, पेन है, ये कोई पेन नहीं है, पेन तुम्हें आगे 5 से 10 साल बाद हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लाइफ हमेशा 2 ऑप्शन देती है, तो आज भी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन। इमेजिन करना आज से 10 साल बाद तुम्हारा वो वर्जन, 10 साल बाद का वर्जन। या तो तुम अपनी लाइफ ऐसे देखते हो कि तुम जाओ मॉल के अंदर और जो तुम्हें पसंद आए तुम बिना टैग देखकर, रेट का टैग बिना देखकर कपड़े उठा लो, जूते उठा लो, ये उठा लो, वो उठा लो, कुछ भी जो भी आपका मन करे। या तो आप एक ऐसी जिंदगी चाहते हो, या फिर आप एक वो दूसरी जिंदगी चाहते हो जिसमें कि आप जाओ 500 की है, इतना तो नहीं हो पाएगा, इस बार मंथली सेविंग नहीं हो पाई, अगले महीने ले लो। कौन सी जिंदगी चाहते हो? ऑब्वियसली पहली वाली। बट उस पहली वाली जिंदगी के लिए क्या तुम मेहनत कर रहे हो? यार जिंदगी में सक्सेसफुल सबको होना है, बट मेहनत किसी को नहीं करनी, सपने सबको देखने हैं, बट उसके लिए भागना किसी को नहीं है, भागना किसी को नहीं है, केवल तुम नहीं, 99% लोग यही कर रहे हैं। सपने देखेंगे, ऑडी, BMW, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ बड़ा, बट क्या कर रहे हो उसके लिए? रियलिटी में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। खुद को झांक कर देखो आईने में, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहे। और यही कड़वा सच, यही कड़वा सच है कि केवल 1% लोग हैं जो कि अपने गोल को सीरियसली लेकर उसके पीछे भाग रहे हैं, बाकी 99% लोग केवल बोलते हैं कि मेरा सपना ये है, मेरा गोल ये है, वो नहीं कर रहे हैं कुछ। दिस इज द रियलिटी। ऐसा नहीं है कि आप में पोटेंशियल कम है, नहीं यार, आप और आपका क्लास का टॉपर दोनों सेम टीचर से पढ़ते हो, सेम बुक फॉलो करते हो, सेम DPP लगाते हो, बट वो एक अच्छे नंबर लाता है और आप कम नंबर लाते हो। ऐसा क्यों होता है भाई? पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसका जो गोल है उसके लिए वो कुछ भी करेगा, और तुम अपने गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी प्रॉब्लम्स को मानो। वो प्रॉब्लम्स जो भी अभी मैंने आपको गिनाई थी कुछ टाइम पहले, वो GCPT प्रॉब्लम, आप उनको बड़ा मानो। केवल टॉपर और एक एवरेज बच्चे के अंदर केवल ये अंतर होता है कि यार उसे पता है कि उसे कैसे भागना है, उसके पास डायरेक्शन है, और एक एवरेज बच्चे के पास कैलिबर तो है, पोटेंशियल तो है, बट उसे पता नहीं उसे भागना है। और अब मैं आपको बताऊंगा 3 टेक्निक्स जिससे कि आपको ये पता चलेगा आपको भागना कैसे। और देखो, अगर आपको एक मोटिवेशनल वीडियो की तरह इसको सुनना है तो सुन लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक मोटिवेशन केवल और केवल ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन तक रहता है, उसके बाद दिमाग से निकल जाता है। बट अगर आपने इस वीडियो का एज अ इंस्पिरेशन लिया तो ये सालों साल तक आपके दिमाग में रहने वाला है। और इंस्पिरेशन के लिए हमें क्या करना होगा? एक नोटबुक और एक पेन लेकर आओ, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ उसको राइट करो, नोट डाउन करो, उससे ये वीडियो आपके लिए एज अ इंस्पिरेशन बन जाएगी, ना कि एज अ मोटिवेशन। 3 टेक्निक जो कि आपको भी उस एवरेज से टॉपर बना सकती है। पहली है सेट आर डेडलाइन। बहुत सिंपल टेक्निक है, सेट आर डेडलाइन। एक डेडलाइन सेट करो, अरे भाई भागना है ना, डेडलाइन को क्रॉस करना है ना, कितने टाइम में क्रॉस करना है? आपका वो जो सपना है IIT, AIIMS, 10th क्लास, 12th क्लास बोर्ड, वो कब अचीव करना है आपको? इसी साल अचीव करना है, अगले साल अचीव करना है, उससे अगले साल अचीव करना है, कब? उसके अलावा और भी गोल्स की डेडलाइन सेट करो कि भाई मुझे BMW खरीदनी है आज से 5 साल बाद। एक डेडलाइन लगा दी। मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए होने चाहिए आज से 10 साल बाद। एक डेडलाइन लगा दिया। ऐसे एक डेडलाइन बनाओ और लिखो जल्दी, फटाफट अभी वीडियो पॉज करो और लिखो। क्योंकि जब तुम्हारी जिंदगी में एक डेडलाइन आ गई ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें भागना किस रफ्तार से है। जैसे कि इमेजिन करो, मेरा कल एग्जाम है, तो मुझे पता है कि मुझे रात रात के अंदर पूरा सिलेबस खत्म करना है। बट अगर मेरे टीचर ने मुझसे ये बोला होता एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो क्या मैं पढ़ता? मैं नहीं पढ़ता। अब बढ़ते हैं टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 2 है डोंट कंपेयर योरसेल्फ। किसी और से हमें कंपेयर नहीं करना। बहुत सिंपल टेक्निक है भैया, आप नहीं समझोगे, हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर करते हैं, हम नहीं करते। यार देख, अगर आपके पेरेंट्स कंपेयर करते हैं ना आपको किसी और से, शर्मा जी के लड़के से, तो आपको यहां से सुनना है, यहां से निकालना है। अगर कोई पेरेंट्स से वीडियो देख रहा होगा तो बोल रहा होगा क्या सिखा रहा है ये, बट देखो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि आपको अपने बच्चे को कभी भी किसी और से कंपेयर नहीं करना है। लाखों बच्चों को मेंटोर करता हूँ, उस आइडियोलॉजी से बता रहा हूँ, कभी भी कंपेयर नहीं करना है। उसको केवल और केवल खुद से कंपेयर करना है कि पिछली बार इसके 18 नंबर आए थे, इस बार इसके 20 आए, अगली बार इसके 22 आने चाहिए, उससे अगली बार 23 आने चाहिए, उससे अगली बार 24 आने चाहिए। अगर वो खुद इम्प्रूव कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। फिर चाहे शर्मा जी के लड़के के 50 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। क्या वो खुद से इम्प्रूव कर रहा है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है वो स्ट्रगल कर रहा है, वो एक हसलर है, उसे पता है। याद रखना, कभी किसी और से कंपेयर नहीं करेंगे, केवल और केवल खुद से कंपेयर करेंगे कि यार हम खुद को बीट कर पाए, हम टॉपेस्ट पोजीशन तक पहुंच जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। अब स्टेप नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप,
फोकस। फोकस सब बोलते हैं फोकस करो, बट हमें ना मतलब नहीं पता फोकस कैसा फोकस करना है। सर देखो, तुमने सुना होगा या फिर आपने कभी मूवीज में, सीरियल्स में, ड्रामा में कभी ना कभी देखा होगा, तपस्वी योगी लोग जो होते हैं वो तपस्या करने जाते हैं, उस तपस्या को कोई भंग नहीं कर सकता। उनके दिमाग में इतना फोकस होता है, वो इतनी ज्यादा तपस्या के अंदर होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता आसपास में क्या चल रहा है। तो तुम्हें भी अब से अपने गोल के प्रति उसी प्रकार का फोकस लाना, आपको कुछ दिखना नहीं चाहिए। इमेजिन करो आपका कल एग्जाम है और आपके दोस्त का बर्थडे है, तो भूल जाओ बर्थडे है, क्या होता है बर्थडे, कुछ नहीं, अगले साल फिर आएगा, एग्जाम थोड़ी ना आएगा अगले साल, इस बार पढ़ लेता हूँ, अगले साल क्या करूंगा, अगले साल उसका बर्थडे अटेंड कर लूंगा, इस बार एग्जाम दे लेता हूँ, सब कुछ भूल जाओ। अरे एग्जाम है 2 दिन में, कोई बात नहीं, इंस्टा रील नहीं चलाई तो, यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं चलाया तो, फोन को बंद करके रख दिया तो, कुछ बड़ा नहीं होगा, कुछ बेकार नहीं होगा, 2 दिन दोस्त से बात नहीं करी तो दोस्ती टूटेगी नहीं, और अगर वो दोस्ती टूट जाती है तो वो दोस्ती थी नहीं, इस बात को याद रखना। तो इसलिए सब कुछ त्याग दो, योगी बन जाओ, तपस्वी बन जाओ, और एक ऐसी तपस्या करो आपके एग्जाम तक कि कोई आपको उस तपस्या से हिला ना सके, उस पढ़ाई से आपको कोई हटा ना सके, ऐसा करो। इन 3 स्टेप्स को अगर आपने फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, आप जो भी आपका गोल है, जो भी आपका एम है, उसको आप आराम से अचीव कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। एंड यार मुझे पता है, क्योंकि मैं आप ही का एज का हूँ, तो मुझे बहुत एक चीज़ समझ आती है कि आपको ताने लगते होंगे यार, आस पड़ोस में लोग आते हैं बोलते हैं यार तू तो इतना टफर बच्चा है, तू कैसे एग्जाम क्रैक करेगा। आई नो, सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है ना कभी कभार, लगता है कि यार सच में मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, शायद मेरे बस की नहीं है, मेरे लिए बना ही नहीं है एग्जाम। तो जब भी ऐसा लगे ना, तो एक लाइन बता रहा हूँ, अपने मन में बोलते रहना, मैं भी अपने टाइम पे बोलता था, लाइन कुछ इस प्रकार है, मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम, मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन है। इस लाइन को अपने अंदर बोलते रहना। एंड याद रखना, किसी को भी बोल के चुप मत कराओ, अपने एक्शन से चुप कराओ। इमेजिन करो तुम्हारा रिजल्ट आता है, रिजल्ट में लिखा आता है 98%, उस दिन रिश्तेदार खुद आएंगे घर पे, अरे बेटा क्या बात है, इतनी ज्यादा परसेंटेज लिया, कैसे पढ़े, हमारे बेटे को भी कुछ सिखा दो, हमारी बेटी को भी कुछ सिखा दो, वो खुद आएंगे, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखना, अपने एक्शन से बताओ, बोल के नहीं बताना, एक्शन से बताना है कि तुम क्या चीज हो और तुम क्या कर सकते हो। तो इस लाइन को हमेशा याद रखो। एंड आप सभी से केवल और केवल एक विनती करता हूँ आज, अगर आप अपने गोल के प्रति इतने से भी सीरियस हो तो एक कमेंट जरूर छोड़ना, उस कमेंट के अंदर अपना गोल लिखना। जैसे कि यार हमारा गोल है IIT क्रैक करने का, तो कोई भी ये मत लिखना कि I want to crack IIT, नहीं, ये नहीं लिखेगा कोई, लिखेंगे हम ऐसे कि I will crack IIT, मैं करूंगा, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं ये एग्जाम क्रैक करूंगा। इतना कॉन्फिडेंस लाओ और फिर लिखो, मैं 12th के अंदर 99 लाऊंगी, जो भी है ऐसे लिखो। और हर एक स्टूडेंट कमेंट करके जाएगा, क्यों भैया क्यों कमेंट करा रहे हो, इसलिए कमेंट करा रहा हूँ क्योंकि यार जब हम कहीं पर एक चीज लिख देते हैं तो सब कॉन्शियसली हमारे ब्रेन के अंदर वो चीज सेट हो जाती है कि मैंने यहाँ पर लिखा था मेरा गोल ये है, तो मुझे उस गोल के प्रति सीरियस रहना है और उसके प्रति मेहनत करते रहना है, और वो सीरियसनेस आएगी आज कमेंट में लिख कर। तो इन 3 चीजों को फॉलो करना और कमेंट में लिख देना, जिससे कि आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज फिट हो जाए। तो ये था आज का कड़वा सच का एपिसोड। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मेरा केवल और केवल एक आपसे हाथ जोड़ के विनती है, यार अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि हमारा केवल और केवल एक मोटिव है कि यूथ को उनके गोल के प्रति सीरियस बना पाएं। और अगर आप एक पेरेंट हो तो अपने बच्चे को जरूर इस वीडियो को दिखाएं, ताकि उसको भी कुछ सीखने को मिले और शायद वो अपने गोल के प्रति सीरियस हो जाए। थैंक यू एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, अगर आपको मेरे बारे में और जानना है तो मैं और मेरी पूरी टीम EXPF की टीम बच्चों को फ्री में गाइड और मेंटोर करती है, उसके अलावा IIT JEE और NEET के बच्चों को हम कुछ बच्चों को फ्री में भी पढ़ा रहे हैं जो कि इकोनॉमिकली वीक थे, फाइनेंशियली वीक थे, उनको हमने फ्री में पढ़ाया, फ्री में कोर्सेज दिए, सब कुछ हमने फ्री में दिया। उसके अलावा 10th क्लास के बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, उनके लिए एक नया चैनल बना रखा है जिसमें कि फ्री लेक्चर्स आते हैं और पूरा CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड सबका सिलेबस कवर करा रहे हैं, जिसमें मैं खुद साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये एजुकेशन के प्रति हमारा छोटा सा योगदान है जो हम कर पा रहे हैं, और हमारा केवल और केवल एक मोटिव है कि यार कोई भी बच्चा पैसों की वजह से पढ़ ना पाए, ऐसा होना पूरे इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी एक बच्चा ना हो जो कि पैसों की वजह से ना पढ़ पाए, और कोई भी बच्चा अपने गोल के प्रति सीरियस ना हो, ऐसा भी। ये 2 गोल है जो कि हमें फुलफिल करने हैं,
एंड ये हमारा मकसद है। अगर आप हमारे मकसद के साथ जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को एक दोस्त के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।